आप रियासी जेके न्यूज़ देख रहे हो, मैं हूँ राम स्वरूप शर्मा। इस वक्त मैं तहसील पौनी के माड़ी में मौजूद हूँ। आपको बता दूँ, कुछ साल पहले जहाँ पे स्कूल था, जहाँ पे बच्चे जो है वो पढ़ते थे, उसके बाद जहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई, उसके बाद माड़ी टक जगह का नाम है, वहाँ पे स्कूल जो है वो मर्ज हो गया। एक ये बिल्डिंग जो है वो बनाई गई थी, इससे पहले हम बता रहे हैं आपको कि वो दूसरी बिल्डिंग थी, उसकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गई है। उसके बाद ये नई बिल्डिंग जो है वो बनाई गई थी और उसके बाद एक स्कूल जो है वो मर्ज हो गया। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी पैसा जो है वो उसकी बर्बादी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अरसों से ये बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है, अब अनसेफ बिल्डिंग मैं इसको कहूँगा, क्योंकि इसकी कंडीशन जो है वो बस से बदतर हो गई है। ये नई बिल्डिंग है, शायद इसमें अभी इन्होंने सफेदी तक नहीं की है, क्योंकि मैं आपको दिखा सकता हूँ ये दीवारें चढ़ी हुई हैं। अगर कोई इसमें सफेदी की होती तो यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिखता, वाइट वॉश कोई भी नहीं हुआ है। इसकी कंडीशन जो है वो बद से बदतर है। अब इन्होंने जो है कि यहाँ पे ताला तो लगाया हुआ है, लोहे का दरवाजा जो है वो जरूर यहाँ पे लगा हुआ है, एक मजबूत ताला भी यहाँ पे जड़ा हुआ है। हमारी बात ICDCS डिपार्टमेंट से हुई है, उनका कहना है कि ये बिल्डिंग जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये बिल्डिंग जो है वो ICDS डिपार्टमेंट के हैंडओवर की है, और कुछ देर वहां पे छोटे छोटे बच्चे जो है वो जहां पे बिठाए गए थे उनकी क्लासें जो है वो लगी थी। मैडमें जहां पे आंगनबाड़ी की जरूर जहां पे पहुंची थी, उसके बाद उन्होंने भी कुछ कारणवश जहां से सामान जो है वो उठा लिया, क्योंकि एक मैडम जी हैं वो शायद अब रिटायर हो गई हैं। वो मैडम कहती थी कि वहां पे पानी जो है वो सारा अंदर आता था और छोटे छोटे वो बच्चे थे। हमने जो है वो अब जहां पे इन्होंने कमरा रखा हुआ है, शायद किराए पे कमरा रखा हुआ है, वहां पे ही बच्चे जो है, ये पुराने जमाने की बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग जो है वो अनसेफ थी, शायद इस कारण ये दूसरी बिल्डिंग एक और बनाई गई थी और जहाँ पे बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए आते थे और जो भी गांव के बच्चे थे इसी बिल्डिंग में पढ़ते थे और बहुत सारे बुजुर्ग लोग जहाँ पे ही पढ़ के तैयार हुए हैं और आज लोग कुछ नौकरियां कर रहे हैं। और दीवारें आप देख सकते हैं कम से कम कितनी कितनी मोटी इनकी दीवारें हैं। और लेकिन सोचने वाली बात है ये है कि इसकी अब किसी ने सुध भी नहीं ली है, दीवारें जो है ये टूट चुकी हैं, जो बारी दरवाजे जो लगे हुए हैं वो बिल्कुल गिर चुके हैं। सरकारी पैसा जहाँ पे जरूर लगाया गया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये इसकी हालत जो है वो खस्ता हालत हो गई है। बेड बकरियां और जहां पे बैठ सकती हैं बैठती होंगी, क्योंकि काफी ज्यादा गंद जो है वो आप देख सकते हैं नीचे पड़ा हुआ है। यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बेड बकरियां लोगों की अब ये यहां पे रहती होंगी, क्योंकि जहां पे अब देख रेख करने वाला कोई नहीं है। और इसके ठीक दूसरी साइड में आपको बताऊंगा कि यहां पे बिल्डिंग एक और बनाई गई थी। सभी बाथरूम में जो है वो ताले लगे हुए हैं और किसके ये अंडर है बताया जाता है कि ICDS को डिपार्टमेंट है उनके अंडर है। ये सेपरेट गर्ल टॉयलेट अंडर SS के तहत ये 2014-2015 में ये बाथरूम जो है वो बनाया गया है। और इसमें देखिए आप यहाँ पे ताले जो है वो लटके हुए हैं और इसकी कंडीशन देखिए, इसकी देख रेख करने वाला अब कोई नहीं है। यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे टाइलें लगाई गई हैं, टाइलें भी जो है वो अब तोड़ दी गई हैं और जहाँ पे किसी को भी इसका बेनिफिट नहीं है, यानी कि जो गवर्नमेंट का पैसा लगाया गया है 1% भी लोगों तक इसका फायदा जो है वो नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि ये अब ICDS डिपार्टमेंट के अंदर है और ना ही ICDS डिपार्टमेंट के बच्चे जहाँ पे अधिकारी जहाँ पे आते हैं, और वो भी शायद इन्होंने शिफ्ट कर दिया कहीं। अब स्कूल की बिल्डिंग की हालत क्या है वो पता नहीं, कितना पैसा जो है वो गवर्नमेंट का जहाँ पे लगाया गया है और अब इसकी हालत जो है वो बिल्कुल खस्ता हालत हो गई है, जड़ी ही जड़ी है। और इसकी दीवारों की कंडीशन आप देख सकते हैं, और जो अभी यहाँ पे जे दरवाजा लगाया गया है, यहाँ पे ताला जरूर जहाँ पे लगाया गया है, और उसके साथ साथ पीछे एक और बाथरूम जो है वो बनाया गया है, वो फ्लश बाथरूम उसकी सुविधा जो है वो बनाई गई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके ठीक बाद में एक और बाथरूम जो है वो वहाँ पे बनाया गया था ताकि बच्चों की सहूलत के लिए। अब दोनों बिल्डिंग जो है वो बाथरूम की उस साइड भी और इस साइड भी दोनों की हालत जो है वो खस्ता हालत हो रही है, क्योंकि पैसा जो है वो सरकारी लगाया गया था, अब देख रेख कोई करने वाला नहीं है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उगाई हैं। और बाथरूम की हालत ये देख सकते हैं आप, और दरवाजे की भी ये हालत अब इतनी खस्ता हालत हो गई है। ये किचन सेट बनाया गया है या क्या बनाया गया है ये भी अब खराब होने के कगार पे है। और ये सरकारी बिल्डिंग ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ वर्ष पहले यहाँ पे ये स्कूल था, यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, अब गांव के बच्चे जो है वो यहाँ पे पढ़ते थे। सर हमें बताएं कि कौन से तक ये स्कूल था? ये प्राइमरी स्कूल था। प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी। तो कब से ये बंद हुआ है? अभी मर्ज किया नीचे इसमें सतपाल के साल थे जी। नहीं अभी के बंद हुए कितने समय में मर्ज हुए? कोई 5-7 साल? कोई 6-7 साल हुई। उसके बाद कोई नहीं आया? नहीं। अच्छा बिल्कुल। उसके बाद किसी के हैंडओवर पे कोई बिल्डिंग बता रहे हैं ना ICDS डिपार्टमेंट के अंडर है? जे ICDS डिपार्टमेंट के अंडर है, हमें बताया था सरपंच ने, क्योंकि सरपंच ने ये भी बताया था कि जहाँ गेट लगेगा बाहर
ये दोनों बिल्डिंगें जो है 70 की बनी हुई है और ये उनने उनके हवाले कर दिए हैं ICDS के। अच्छा, उनके डिपार्टमेंट के अंदर। हाँ। लेकिन उन डिपार्टमेंट वाले जहाँ ICDS डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी यहाँ पे पहुँचा है, कोई नहीं आया इधर? क्या कहते हैं वो? बच्चे आए थे इधर 3-4 दिन और उसके बाद टूट गई है, दरवाजे जो है वो बिल्कुल बाहर निकल आ गए हैं। दो इन्होंने बाथरूम बना दिए हैं, बाथरूम का अभी 1% भी किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा। वहां पे ताले जड़े हुए हैं, उसकी जो मेंटेनेंस है वो अब बद से बदतर हो रही है क्योंकि उसका टाइम जो है वो निकल रहा है। दीवारें भी खराब हो रही है और ये जो बिल्डिंग इन्होंने बनाई थी, मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, ये जो बिल्डिंग बनाई थी इसमें वाइट वॉश एक बार भी नहीं किया गया है क्योंकि आप उसकी तस्वीरें देख सकते हैं। अगर वाइट वॉश किया होगा तो कहीं ना कहीं वो दिखता कि वाइट वॉश यहाँ पे हुआ है। खाली इन्होंने बिल्डिंग बनाई है, प्लास्टर किया हुआ है, उसके बाद इसमें वाइट वॉश नहीं हुआ है। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, जो बिल्डिंग जो है वो धूल झोंक रही है, जो खराब हो रही है, उसके ऊपर ध्यान दे सरकार और इस बिल्डिंग को कहीं काम पे लगाएं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहे रियासी जगह न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।